विचक्राफ्ट वर्स के हम लास्ट वीडियो में देखते हैं जहाँ पर आयाका-सान और टाकामिया उस प्रिजन से बाहर निकल रहे हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं वो देखते हैं पूरा टाउन को जो कि पूरा बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं वर्कशॉप के हाइड आउट में जहाँ पर नात्सुमे बताती है कि जो हमारी चेयर वुमेन है वो एनिमे के हार्ट में है और जब तक उनके पास टिकट मैजिक यूज़ नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर जो वॉच एन आंटी है वो आती है और बोलती है कि जो बैरियर है वो आम लोगों को बचाएगी लेकिन बच्चे उससे बच नहीं पाएंगे। यहाँ पर टाकामिया बहुत प्रसन्न हो चुका है, उसको ये चिंता सता रही है कि क्या लोग सेफ होंगे, और वो अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले लेता है और बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर वो लोग मेरे को ले लेते तो आज मेरा टाउन ऐसा बर्बाद नहीं होता। तो यहाँ पर जो एक्शन होती है बोलती है कि चिंता मत करो वो सब सेफ होंगे। यहाँ पर एक्शन बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो टाकामिया है वो बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आयाका-सान है वो टाकामिया को कहीं पर लेके जा रही होती है। हम यहाँ पर वर्कशॉप के हाइडआउट में देखते हैं एक विच आती है और बोलती है कि हमारे पास 30 मिनट है वरना मैं ब्लास्ट हो जाऊँगी, ये वीकेंड ने हमारे साथ ऐसा किया है, उसने बहुत सारे लोगों को पकड़ रखा है और बोला है कि टाकामिया को मेरे को 30 मिनट के अंदर चाहिए वरना मैं इन सबको जिंदा ब्लास्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो काजुमी और KMM गर्ल्स हैं वो लोग वीकेंड के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो टानपोपो है वो बोलती है कि तुम हमसे करवाना क्या चाहती हो। तो यहाँ पर जो काजुमी है वो बोलती है कि बस तुम ही हो जो मैजिक यूज़ कर सकते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थोड़ी बहुत। आयाका-सान और टाकामिया अगर रास्ते में एक टावर पर जाती है जिसका नाम है जिब्राल्टर और वो बोलती है कि तो फिर जो मेरी बॉस है मतलब कि जो मेरी वीकेंड है उसने मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए लाया है, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ के यहाँ से जाऊँगी। तो यहाँ पर आयाका-सान और जिब्राल्टर की फाइट शुरू हो जाती है जिसमें आयाका-सान बिना मैजिक यूज़ किए जीत जाती है। ये सब देखने के बाद जो टाकामिया होता है वो बहुत खुश होता है, बोलता है कि तुमने ये सब कैसे किया, मतलब बिना मैजिक के तुमने इसे कैसे हराया। तो यहाँ पर हमें पता चलता है जो आयाका-सान है वो बचपन से ही बिना मैजिक की ट्रेनिंग कर रही थी जहाँ पर उसके पास थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हैं जिससे वो लड़ सकती है लोगों से बिना मैजिक के। वर्कशॉप के हरोड में हम देखते हैं कि जो टोका-चान है वो टाकामिया को कॉल लगा रही होती है लेकिन वहाँ पर कोई उठाता नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि वो लोग जेल तोड़ के भाग चुके हैं। तो यहाँ पर जो रिनॉन है वो बोलती है कि हम टाकामिया को वीकेंड को दे देंगे और जो होस्टेजेस है हम उनको वहाँ से ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो टोका-चान बोलती है कि तुम सच्ची में ले दोगे। तो फिर यहाँ पर जो रिनॉन बोलती है अरे चिंता मत करो वो हमारा प्लान का एक हिस्सा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नात्सुमे वो बोलती है कि ये कोई बॉम्ब नहीं है, ये बस एक ट्रैप है जिसके अंदर बॉम्ब छुपा रखा है मैजिक की वजह से, जैसे ही टाइम पूरा होगा वैसे ही मैजिक यूज़ करके आप फट जाएंगे। तो यहाँ पर रिनॉन थोड़ी सोचती है अपने प्लान के बारे में। तो यहाँ पर हमें पता चलता है जो क्रोनोयर है वो उठ जाती है अपने बिस्तर से और वो बाहर देखती है जो टाउन है ना, फिर उसको पता चलता है ये सब करने वाली वीकेंड है। तो फिर उसे पता चलता है कि जो खजाना है वो हार चुकी है और यहाँ पर क्रोनोयर सोचती है उसने खजाने को हराया मतलब मेरी दुश्मन को हराया तो अब मैं उसे खा जाऊँगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टाकामिया और आयाका-सान है वो फाइनली इस टाउन के हार्ट तक पहुंच जाते हैं जहां पर टाकामिया एक कॉन्टैक्ट बनाता है इस टाउन के हार्ट से और यहां पर अपने वर्कशॉप विचेस आ जाते हैं वीकेंड के सामने और वो जो कि आराम से वीकेंड को हरा डालते हैं। अब यहां पर टाकामिया उठ जाता है कॉन्टैक्ट बनाने के बाद, जब टाकामिया उठ जाता है तो फिर एक्शन बोलती है कि तुम्हें अभी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, तुम्हें अपनी पहले स्ट्रेंथ ठीक कर लेनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर जो टाकामिया है वो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें आगे की तरफ चलना चाहिए। अब यहाँ पर रिनॉन और नात्सुमे वीकेंड को जेल की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पर वो जेल में कैद कर डालते हैं, तभी वो जेल को बॉम्ब कर डालती है वीकेंड और वहाँ से भाग निकल जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो टाकामिया है उसको एक झलक दिखती है नात्सुमे और रिनॉन की जहाँ पर वो दोनों घायल है और यहाँ पर वीकेंड उसके सामने आती है और बोलती है कि तुम्हारी असली पावर लोगों को वापस जिंदा करने की है। फिर यहाँ पर टाकामिया अपनी पावर यूज़ करने का फैसला लेता है सब कुछ वापस खत्म कर रिबॉर्न करने का। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं टाकामिया अपनी पावर यूज़ करने वाला ही होता है, जो आयाका-सान है वो टाकामिया को बेहोश कर देती है और बोलती है कि अब आगे का काम मैं करूँगी। फिर टाकामिया जब सो जाता है तो फिर उसे दिखती है खजाने की मेमोरी जहाँ पर वो देखती है कैसे उसकी मम बहुत कमज़ोर थी क्लास में और खजाने उसकी मदद कैसे करती थी और वो कब दोनों दोस्त बन गए। उसके बाद वो देखती है एक और मेमोरी जिसमें जो आयाका-सान है वो खजाने को बोलती है कि प्लीज़ स्कूल की सबसे टॉप मेंबर बन जाओ जिस वजह से हम दोनों एक ही क्लास में बैठ पाएँ। और यहाँ पर हम देखते हैं जो टाकामिया है वो अपने सपने की दुनिया से उड़ता है और जब वो देखता है कि सामने मिकाके सेंसे है और बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है सपनों की दुनिया में। यहाँ पर मिकाके सेंसे बताते हैं टाकामिया को कि ये जो स्टार हैं वो सारे ह्यूमन्स हैं,
अगर ये सब ख़त्म हो गए तो फिर मैं इन सब की मेमोरी इरेज कर दूंगा, जिसके वजह से कोई समझ नहीं पाएगा कि अभी क्या हुआ उनके साथ। आयका सान बोलती है हटोरी को कि तुम टाकामिया का ध्यान रखो। उसके बाद जो आयका सान है वो चली जाती है वीकेंड से लड़ाई करने। तभी मिकाके सेंसे की सपनों की दुनिया में एक टावर पर आ जाती है और वो उनसे लड़ाई करना शुरू कर डालती है। और हम देखते हैं कि जो आयका सान है वो अपनी पावर यूज़ कर पा रही है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रात को जहाँ पर आयका सान ने टाका में से उसकी थोड़ी सी पावर ले ली थी क्योंकि उसे अब वीकेंड से लड़ाई करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो मिकाके सेंसे है वो टाके में वो बोलती है कि अपने आँखें बंद करो फिर तुम असली दुनिया में पहुँच जाओगे। और यहाँ पर टाका मियाँ असली दुनिया में पहुँच जाता है। फिर अटोरी और टाका मियाँ आयका सान के पास चले जाते हैं। यहाँ पर टाका मियाँ आयका सान को बोलता है कि तुम मेरी पावर यूज़ कर उससे प्लीज़ डरो। उसके बाद आयका सान टाका मियाँ की पावर ले लेती है। फिर उसके बाद वो डरने जाती है सीधा वीकेंड से। अब यहाँ पर टाका मियाँ सब कुछ रिबॉर्न करने वाली पावर यूज़ करता है तो फिर वो पहुँच जाता है एक जगह पर जहाँ पर होती है एवरमिलियन। एवरमिलियन टाका मियाँ को बोलती है तुम कुछ बड़ा मांग रहे हो, इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ बड़ा देना पड़ेगा, मतलब तुम्हें अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी मुझे। फिर टाका मियाँ बोलता है कि हाँ ले लो मेरी लाइफ। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही वो प्रेजेंट में आता है तो फिर वो अपनी पावर यूज़ करता है जहाँ पर सब कुछ वापस रिबॉर्न हो जाता है, मतलब जो पूरा टाउन होता है वो वापस बन जाता है पहले की तरह। और यहाँ पर आयका सान टाका मियाँ के पास आके बोलती है कि तुमने क्या किया। उसके बाद यहाँ पर आयका सान बोलती है चिंता मत करो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। उसके बाद आयका सान खड़ी होती है बोलती है कि एवरमिलियन अगर तुम मुझे सुन रही हो तो फिर मेरी लाइफ ले लो और टाका मियाँ को जिंदा छोड़ दो। उसके बाद एवरमिलियन आयका सान की लाइफ ले लेती है और आयका सान यहाँ पर मर जाती है और वीकेंड वहाँ से निकल जाती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं बाहर जहाँ पर होती है क्रोनोवेयर और बोलती है कि मैं तब से तुम्हें ढूंढ रही थी, चलो तुम मेरे को आखिरकार मिली गई। फिर यहाँ पर क्रोनोवेयर वीकेंड को हरा डालती है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो टाका मियाँ है उसको मिकाके सेंसे का फ़ोन आता है, बोलता है कि इसको लिप्स टू लिप्स किस करो जिसकी वजह से उठ जाएगी वापस। उसके बाद टाका मियाँ वो कर नहीं पाता लेकिन वो कहीं और किस कर देता है जिसकी वजह से आयका सान वापस जिंदा हो जाती है। उसके बाद कजाने यहाँ पर आती है और बोलती है कि मुझे वीकेंड को दे दो। फिर क्रोनोवेयर मना कर डालती है और बोलती है कि तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। उसके बाद उस लड़ाई में कजाने जीत जाती है। अगले दिन टाका मियाँ उठता है बिस्तर से, फिर वो आयका सान को ढूंढने लग जाता है। जैसे ही आयका सान उसके सामने आती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग टाका मियाँ, टाका मियाँ खुश हो जाता है और यहीं पर विचक्राफ्ट स्वर्ग का पूरा सीज़न ख़त्म हो जाता है। इस एनिमे का जो मांगा है वो अभी तक चल रहा है और फरवरी में वो ख़त्म हो जाएगा। अगर मैंने जितनी भी इसकी वीडियोज़ बनाई है टोटल मिला के अगर व्यूज़ 100K+ हो जाते हैं तो फिर मैं इसका मांगा कवर करने का सोच सकता हूँ। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।